लूटो भी यार, आप गुस्से में आ गए हैं, पहले ही इसी ले रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग? ठीक है, आज हमारे घर में साथ एक बहुत ही विशाल और खतरनाक जानवर लेके आया जो इस वक्त उस छत के ऊपर है। अभी उसके पास भी चलती है, लेकिन उसके पास जाने से पहले एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। आई मैं आपको दिखाती हूँ गुड न्यूज। वो आपको मुर्गी नजर आ रही है ना, जो इस वक्त ये किड़ोले के ऊपर बैठी है। किड़ोला नहीं मतलब पिड़ोले के ऊपर बैठी हुई है। पता नहीं दोस्तों, ना लोगों ने देखे कैसे रखे है पिड़ोला, और इसके अंदर ना हम कद्दू रखते हैं। और ये पता कितने साल पुराना है, हमारी परताते के भी परताते जितना पुराना है। तो अभी ये ना इसलिए बैठी हुई है क्योंकि दोस्तों ये हो चुकी है कुड़क। आप जो इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, और जाके मैं अभी साथ को कहती हूँ कि मुर्गी ने कुड़क मारी है, उसके लिए अंडे लाओ। फिर मुर्गी ने अंडों से बच्चे निकाले, तो फिर इतने इतने से बच्चे हो गए और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। और दोस्तों चलते चलते सब्सक्राइब करते, आपके एक सब्सक्राइबर से हमारे पूरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो सकते हैं। साथ ही कुड़कों के अंडों को भी देख रहे हो। मैं देख रहा हूँ अरफा, इस दफा मुर्गी ने ज्यादा छोटे अंडे नहीं दे दिए। सारी कीड़ी के अंडे लगते हैं। यार इस दफा हमारी मुर्गियों ने बिल्कुल छोटे छोटे से अंडे दिए हैं, और यही सोच रहा हूँ कि अब इनमें से बच्चे अरफा कैसे निकलेंगे। मुझे लगता है इसके अंदर से चिड़िया के बच्चे निकलेंगे, वो चिड़िया की मामा लेने आई अंडे। वैसे इसमें ना सारी गलती अरफा की है, ये छोटे होने की जो वजह है ना अंडों की, वो अरफा ही है। मेरी क्या गलती है, मैंने कोई जादू टू ना किया तो ये इतने छोटे हो गए। ये वजह नहीं है, अरफा ने अच्छे से खाना खिलाया होता ना, उनका पेट भरा होता और वो अच्छी खुराक खा रहे होते, तो आज अंडे भी बड़े बड़े होते ना। छोटे छोटे अंडे होने की यही वजह निकलती है। यार प्लूटो जो है ना, ये पेट्स को देख के दिन ब दिन अग्रेसिव होता जा रहा है। कल रात को भी इसने इतना शोर किया है, तो फिर हमने क्या किया कि इसको इधर छत पे बांध दिया। अरफा पीछे रहो, पीछे रहो। अभी प्लूटो को ना अरफा की इतनी अच्छी पहचान नहीं हुई है। आज आज इधर से देखिए और कैसे देख रहा है गुस्से से। पीछे रहना अरफा, इसे नहीं मैंने पकड़ा हुआ अभी। सर आपके तो बोल क्यों आ रहे हैं? वही अरफा बताना चाह रहा हूँ ना, ये जिस जगह से आया है ना, हाँ। वहाँ पे यार इसने पहले जिंदगी में कभी भी पेट्स नहीं देखे, जानवर नहीं देखे, लेकिन अब ये जब उनको देखता है ना, तो इसका खून खोलना शुरू हो जाता है कि मैं उनको पकड़ूं, उन पे हमला करूं और उनको खा जाऊं। इसलिए रात को इतना बोर रहा था और हमने इसको इसी वजह से छत पे बांध दिया था। मैंने भी ये सोचा कि जैकी की ना और इसकी अब यार दोस्ती होना बहुत जरूरी हो गया है। हो सकता है अरफा कि जैकी इसको समझा दे कि ये पेट्स हमारी हैं, इन पे हमला नहीं करना, ये तुम्हारे दोस्त ही हैं। हाँ। जैकी यार समझा सकते हैं इसको, हम नहीं इसको समझा सकते। हमारी जुबान ये नहीं समझेगा, लेकिन हमने दोस्त जैकी की समझेगा। दोस्त तो अभी बना नहीं है, अभी हम दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। जैकी अभी फार्म हाउस में, वहाँ पे इसको लेके चलते हैं और इनकी दोस्ती करवाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं यार के प्लूटो की और जैकी की दोस्ती होती है कि नहीं। ये अटैक इसने अगर खड़ा हुआ तो मेरे से ऊपर हो जाएगा मुझे लगता है। हाँ तो साइज में ये काफी बड़ा है, अरफा से भी लंबा है। बस यार चलते हैं फार्म हाउस में, वहाँ पे चल के ना इनके और जैकी की दोस्ती करवाते हैं। दुआ करें बस ये किसी तरह एडजस्ट हो जाए घर में। लेकिन वहाँ जाके तैयार रखने और ये ना दोस्ती के मतलब में लड़ाई। यार ओली को देखें, ये इन अंडों के पास आ गई है। इसने अपने तो सारे अंडे बर्बाद कर दिए थे, खराब कर दिए थे, और अब ये ओली यही चाहती है कि मुर्गी के अंडों को भी खराब किया जाए। लेकिन यार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। देखो यार रफा कैसे यहाँ पे सारे जमा होना शुरू हो गए हैं। तुम्हारी जबान तो चुप होनी नहीं ना, तुम तो अजान ही देते रहोगे। नहीं वो मुर्गियों के हक भी बोल है कि हमारे अंडे वापस करो। हाँ इस वक्त एहतजाज हो रहा है, लेकिन हमें अपनी आवाम से कोई गर्ज नहीं है। ये क्या चाहती है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हम कुछ करेंगे, हम सिर्फ इनसे फायदे लेंगे, लेकिन इनके लिए करेंगे कुछ नहीं। जो हमारा दिल करता है हम वो बस करेंगे। जो आजकल हमारे मुल्क में हो रहा है, यही वाला सीन यहाँ पे हम करते हैं आज। तो अभी दोस्तों हम मुर्गी के लिए ना लक्जरी सा बेड बनाते हैं, किसके अंदर वो अपने अंडों को गर्म रख सके। चलो अभी फेंकते हैं नीचे। बड़ा होता है, क्या होता है लकड़ी का। हाँ चलो ठीक है, अब इसे यार अच्छी तरह हम यहाँ पे बिछा देते हैं। वैसे साथ मुर्गी के लिए बहुत सॉफ्ट कार बनेगा।
ये देखो सोर सोर ठाल लगा के देखो कैसे पानी है, ये निकाल दो। अब इसके ऊपर हम ये रखते हैं सर, सच्ची में ये देखो कितना सूख है सर, हाथ अंदर ही जाने लग पड़ता है। अब हम ऐसा करते हैं कि पहले मुर्गी को लेके आते हैं, उसके बाद फिर हम उसको दिखा दिखा के एक एक अंडा उसको देंगे, ठीक है? हाँ, मुर्गी को लेके आते हैं। लेके आओ। क्या हो गया? बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, तुम्हारी है। अरफा एक एक करके रखो तुम। यार हमारी कुड़क वाली मुर्गी ये बैठी हुई है इस वक्त, खाना खा रही है यहाँ पे खड़े होके, तब तक हम इसमें अंडे रखते हैं। और साथ अरफा गिनती भी जाओ कि ये कितने अंडे हैं। ठीक है, तीन चार। कितने अंडे हुए अरफा? सर 15 अंडे हैं, ज्यादा नहीं है 15 अंडे। वैसे मुर्गी हमारी यार इस दफा जो है ना पिछली वाली मुर्गी से बड़ी है, तो मुझे लगता है 15 अंडे ज्यादा नहीं है इसके लिए, ये समेट लेगी सबको। तो क्या 20 अंडे? नहीं काफी है इतनी। चलो मुर्गी बैठ जाओ। बैठ जाएगी बैठ जाएगी। तो यार अभी हमने मुर्गी को अंडों पे तो बिठा दिया है, बस अब इंतजार करते हैं कि कब तक चूजे निकलते हैं। हम मुर्गी की अंडों की कैंडलिंग 5 से 6 दिन बाद करेंगे, देखेंगे लाइट के जरिए कि इसमें बच्चे बांध रहे हैं कि नहीं, तो ये काम हम थोड़े दिन बाद करेंगे, अभी नहीं। अरफा तुम भी आओ जल्दी। रैबिट्स वगैरह को ना दूर ही रखना। देखिए और कैसे जा रहा है। उए, उए। अरफा वो देखो उसको कैसे देख रहा है। नहीं ये नहीं डरते अरफा। उठ 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 उठ। नहीं नहीं यार प्लूटो को लेके जाना पड़ेगा। चलो अरफा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो यार, प्लूटो अभी हमला करने लगा था। अरे यार संभाला ही नहीं जा रहा ये। यार ये क्या है, प्लूटो पागल हो गया ये तो। तो यार वो प्लूटो है वहां पे, और हमारा जैकी इस वक्त वो वहां पे। जैकी कहाँ पे देख रहा है? जैकी को प्लूटो नजर नहीं आया अभी, है ना? ओए देख रही है यार जैकी ने। ओए ओए इनकी दोस्ती नहीं। ओए पकड़ 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 आली, ध्यान रख किधर देख रहा है यार। ओए अरफा क्या लगता है यार जैकी? ओए ओए ध्यान से रस्सी ना टूट जाए, पकड़ के रखो पास से। यार इस वक्त जैकी फुल गुस्से में आया हुआ है, लेकिन वो जर्मन शेपर्ड इसे इजी ले रहा है। ओए यार इस वक्त जैकी की और प्लूटो की दोस्ती मुझे लगता है कि कभी नहीं होगी। अरफा क्या लगता है तुम्हें? जैकी को यार सांस ही वो चढ़ के देखें यार, जैकी की कोई इरादे नहीं है दोस्ती के। हाँ प्लूटो जोर पकड़ के रखी यार, पीछे रखो यार। प्लूटो को इस वक्त प्यास लग गई है। जवाब यार इसे पीछे लेके चलो। प्लूटो भी यार अब गुस्से में आ गया, पहले इजी ले रहा था गुस्से में आ गया। जैकी नहीं जोर पीछे कर लो यार, रहने दो रहने दो, दोस्ती नहीं होनी इनकी, छोड़ दो यार। नहीं आप हमें भी हाल बताएं, हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं कि इनकी दोस्ती कैसे करवाएंगे। पूरी कोशिश कर ली, इनको हम कैसे एडजस्ट करेंगे यार घर में। प्लूटो ले तो आए हम, अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? आपके कहने पे मैं लेके आया हूँ यार, अब समझ नहीं आ रही मैं कैसे इसको रखूं। यार ये इसके काम देखे क्या कर रहा है ये। अरे भाई क्यों ऐसे कर रहा है? अच्छा नीचे मट्टी ठंडी होती है ना, तो इसलिए वो ऊपर से गर्म मट्टी साइड पे कर रहा है, नीचे से ठंडी मट्टी निकाल के उस पर बैठ रहा। थक गया यार ये बहुत ज्यादा। हम दोस्ती करवाने के लिए आए थे, लेकिन इनका कोई मूड नहीं है दोस्ती का। नहीं ना अरफा हो सकती। हाँ, पानी पिला वाली। पानी भी इनके सामने रखा है, लेकिन पीते है? हाँ नहीं थोड़ा सा पिएगा। लुटो नहीं 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 नहीं, ओए ना यार पीछे कर लो यार, इनकी दोस्ती नहीं यार हो सकती, इनको पीछे ही करना पड़ेगा। दोस्तों हम तो परेशान हो रहे हैं, इन दोनों की दोस्ती कैसी हो? मैं तो
तो कह रही हो प्लूटो दोस्ती कर लेगा, लेकिन जो हमारा जैकी है ना वो बार बार प्लूटो पे हमला कर रहा है, लेकिन अभी प्लूटो का जैकी को पता नहीं है। एक मिनट पे अल्लाह के पास चल जाना जैकी ने, अगर प्लूटो ने अटैक कर लिया तो। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद आपको पसंद आई। लाइक शेयर सब्सक्राइब शुरू करते हैं कि आपको भाई नई सुनाई वीडियो मिल जाए। अभी के लिए अल्लाह।